नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल AR Homes में। तो आज मैं आपके लिए एक और ज़बरदस्त प्रॉपर्टी लेकर के आ गया हूँ जो कि निवारू रोड पे लोकेटेड है। और साथ ही अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर पास में बीएड कॉलेज है। और हमारे फौजी भाई जो लोग चाहते थे कि हमारे को जो हमारा आर्मी एरिया है वहाँ से बिल्कुल नियरेस्ट मिल जाए, तो पास में ही जो है आर्मी एरिया है। यहाँ पर सामने की तरफ देख रहे हैं, दो विला हमारे द्वारा बनाए गए हैं, दोनों ही अभी अवेलेबल हैं। आप चाहें जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कॉल कीजिए। भवानी मार्ग के नाम से ये जो है कॉलोनी है, और देख पा रहे होंगे आप आसपास का पूरा ही सराउंडिंग एरिया। देख लीजिए किस तरीके का सराउंडिंग एरिया है। JMS कॉलोनी के नाम से ही पूरा ही यहाँ से जो है बाहर से कॉलोनी निकलती है। मेन रोड से अगर मैं बात करूँ, जो ये मेन रोड है वहाँ से ज़्यादा नहीं, 50 मीटर के ही डिस्टेंस पे ही आपको मिलने वाला है। आप फ्रंट एलिवेशन आपने देख लिया, अब मैं यहीं से आपको होते हुए डायरेक्टली लेकर के चलूँगा इस खूबसूरत से प्यारे से सेमी डुप्लेक्स की और दिखाऊंगा किस तरीके का बना हुआ है। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ साथ बेल आइकन को दबा दीजिए। वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए हमारे Facebook और Instagram पेज को जरूर फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ पर हम लोग जो है लेटेस्ट अपडेट आपके लिए प्रोवाइड कराते रहते हैं। ये आ गया इसका पॉर्च का एरिया। पॉर्च की अगर हम बात करूँ तो ईजिली आपकी छोटी कार पार्क कर सकते हैं, या फिर आप चाहें अपनी बाइक वगैरह इजीली पार्क कर सकते हैं। 15x55 का यहाँ पर जो है इसका डायमेंशन आपको मिल जाता है। यहाँ पर भी आपको अच्छा खासा स्पेस दिया गया है जहाँ पर अपनी बाइक वगैरह बहुत इजीली आप पार्क कर सकते हैं। स्टेयर्स बाहर से दी गई है जो कि आपको इसके फर्स्ट फ्लोर पर इसके रूफ पर लेकर के जाती है। वाटर टैंक प्रोविजन यहाँ पर इस साइड में आपको मिल रहा है, और पास में ही आपको बीएड कॉलेज है। साथ ही यहाँ पर पास में ही आपको जो है ये देखिए यहाँ पर बड़ी सी विंडो जहाँ से प्रॉपर सनलाइट वेंटिलेशन आपका होता रहेगा। आर्मी कैंटेरिया भी यहाँ पर बहुत ही पास में है, आर्मी एरिया जो है पास में ही है। अब मैं बात करूँ यहाँ पर अगर इस हॉल की, इस एरिया की, तो इस ये एरिया जो है 10x10 का आपको मिल रहा है, और साथ ही स्पेसेस स्टैंडर्ड साइज है। वेंटिलेशन के लिए यहाँ से आपको ऑप्शन मिल जाता है जहाँ पर आपको वॉश बेसिन वगैरह यहाँ पर आपको लगवा सकते हैं, वो चीज़ यहाँ पर आप कर सकते हैं फिट। और यहाँ से ऊपर से प्रॉपर वेंटिलेशन और सनलाइट आपका हो रहा है। यहीं से मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर आपको हॉल के साथ ही एक शोकेस बना करके दिया गया है, लकड़ी का फ्रेम वगैरह लगवा करके आप जो है इसे और भी ज़्यादा खूबसूरत कर सकते हैं। अब हम चलेंगे थोड़ा सा और आगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे 6x8 का स्पेस यहाँ पर इस एरिया का आपको मिल जाता है। सामने की तरफ आपको मिल जाता है वॉश बेसिन जहाँ पर आप हैंड वॉश वगैरह बहुत ही ईजिली कर सकते हैं। और यहीं पर सामने की तरफ आ जाता है इसका बड़ा सा किचन जो कि मॉड्यूलर किचन आपको मिल रहा है। 6x8 का साइज़ यहाँ पर आपको अवेलेबल है, और एल शेप में आपको बना करके दिया गया है। ऊपर के साइड में प्रॉपर कैबिनेट, नीचे के साइड में प्रॉपर ड्रॉर्स, और उस तरफ आपको मिल जाते हैं जो कि इसका सिंक एरिया है जहाँ पर आप बर्तन वगैरह बहुत ही इजीली वॉश कर पाएंगे। अभी मैं आपको दिखाऊंगा इसका फर्स्ट बेडरूम और इसका बैकयार्ड का एरिया। और ये एक मास्टर बेडरूम है तो मैं यहाँ पर आपको बाथरूम भी दिखाऊंगा। 14x10 का साइज़ यहाँ पर इस रूम का अवेलेबल है। सामने की साइड में आप देखेंगे बिल्कुल कॉमन यहाँ पर जो है कलर करके दिया गया है। ऊपर की साइड में आप देखेंगे POP वर्क है, साथ ही आपको ऑरेंज कलर का यहाँ पर पेंट मिल जाता है। इस रूम के साथ में आपको मिल रही है अटैच में वार्डरोब जो कि यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराई गई है। जस्ट इसके बैक साइड में देख रहे हैं बड़ी सी वार्डरोब है जहाँ पर आपका जो भी सामान वगैरह हो आप इजीली रख सकते हैं। इस साइड में मिल जाती है बड़ी सी विंडो जहाँ से प्रॉपर सनलाइट वेंटिलेशन आपका होता रहेगा। बैक साइड में आ जाता है इसका बैकयार्ड का एरिया जो कि आपको 3 फीट का बैक साइड का एरिया मिल जाता है। वॉशिंग एरिया की तरह वॉशिंग मशीन लगा करके इस जगह को यूज़ ले सकते हैं। ऊपर से प्रॉपर वेंटिलेशन और सनलाइट का ऑप्शन आपका अवेलेबल हो रहा है। और यहीं से मैं आपको दिखाऊंगा इसका जो अटैच बाथरूम है वो मैं आपको दिखाऊंगा जो कि इस साइड में आपको अवेलेबल है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको वेस्टर्न शीट लगी हुई है, साथ ही वेंटिलेशन का ऑप्शन आपको अवेलेबल हो जाता है। अभी मैं आपको लेकर के चलूंगा इसके जो है सेकंड बेडरूम की ओर जो कि यहाँ पर इसके फ्रंट साइड में अवेलेबल है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए, ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। यहाँ पर हम लोग आ गए हैं इसके कॉमन बाथरूम की ओर जो कि यहाँ पर आपको दिया गया है। साइज़ यहाँ पर भी आपको काफ़ी अच्छा मिल जाता है, 5x7 का साइज़ है, और इंडियन शीट लगा करके दी गई है। वॉश बेसिन यहाँ पर इस साइड में आपको मिल जाता है। शावर एरिया यहाँ पर दिया गया है। अभी मैं आपको लेकर के चलता हूँ इसके जो है सेकंड बेडरूम की ओर। बेडरूम का साइज़ मैं आपको बता दूँ यहाँ पर 8x12 का साइज़ है। सामने की तरफ देखेंगे बड़ी सी विंडो जहाँ से प्रॉपर सनलाइट वेंटिलेशन, ऊपर की तरफ देखेंगे आपको जो है सीलिंग डिज़ाइन, साथ ही ऑरेंज कलर का यहाँ पर आपको पेंट करके दिया गया है। यहीं से होते हुए मैं आपको लेकर के चलूंगा इसके फर्स्ट फ्लोर पर, वहाँ पर एक और रूम बना हुआ है वो मैं आपको दिखाऊंगा। एक कॉमन बाथरूम है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा वीडियोज़ को। अगर स्टेयर्स की बात करूं यहाँ पर ग्रेनाइट का यूज़ किया गया है, साथ ही अगर बात की जाए यहाँ पर रेलिंग की तो SS का यूज़ करते हुए यहाँ पर स्टील लगाया गया है।
सामने की तरफ आपने देखा ग्लास का पैनल लगा करके दिया गया है जहाँ से प्रॉपर सनलाइट आपके घर के अंदर आती रहे। पीछे की तरफ यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर भी अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है जहाँ पर आपका जो भी अननेसेसरी सामान हो, कूलर वगैरह जो सर्दियों में काम नहीं आते हैं वो यहाँ पर रख सकते हैं। ये पूरी ही रूफ़ आप देख रहे हैं, पीछे की तरफ देख लीजिए पूरा ही सराउंडिंग एरिया। यहाँ से ये बीएड कॉलेज है, बिल्कुल पास में ही है, पास में ही आपको स्कूल भी मिल जाता है, सेंट टेरेसा स्कूल यहाँ से बहुत ही पास में है। अब मैं आपको दिखाऊंगा इसका कॉमन बाथरूम जो कि यहाँ पर अवेलेबल है। सेम साइज इससे नीचे था एज इट इज साइज है। यहाँ पर आप देख रहे हैं आपको कॉमन शेड, ऊपर की तरफ आपको वेंटिलेशन और सनलाइट का ऑप्शन, वॉश बेसिन यहाँ पर अवेलेबल है। ये आगे हम लोग से थर्ड बेडरूम की ओर, 8x12 का साइज जैसे कि नीचे की तरफ था। सामने की तरफ बड़ी सी विंडो प्रॉपर सनलाइट वेंटिलेशन के लिए, 4 फीट की बालकनी का साइज जो कि 4x और लगभग 6 का साइज है। आप यहाँ से पूरी कॉलोनी का सराउंडिंग एरिया देख लीजिए। जेएमएस नगर के नाम से ये कॉलोनी है, निवारू रोड पे लोकेटेड है। और बात करूँ यहाँ से निवारू, यहाँ से जो है आर्मी एरिया की, तो बहुत ही पास में आपको आर्मी एरिया मिल जाता है, पास में ही बीएड कॉलेज भी है। प्राइस जो होने वाला है इसका वो होने वाला है 26 लाख रुपए। और अधिक जानकारी के लिए आप कॉल कर सकते हैं बिल्डर या सेल्स एग्जीक्यूटिव को, नंबर आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन और साथ ही स्क्रीन के ऊपर। कैसा लगा ये वीडियो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताइएगा। हमारे नए चैनल एआर डिज़ाइन को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उस चैनल का भी लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराया गया है। फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ पर लेटेस्ट अपडेट हम लोग आपके लिए प्रोवाइड कराते रहते हैं। आज और अभी के लिए इतना ही, फिर से मुलाकात होगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।